इनके पराठे देखें, आए आए आए, वाल वाले पराठे हैं जी। ये लाहौर में ये मेरे दादा जी सबसे अच्छे पराठे हैं इनके। आप खा भी लें आपको हैवी पन महसूस नहीं होता। बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, ये तो लग रहा है जैसे डॉन का पराठा होता है ना, वैसे ही लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, चाय में डिप करके खाते हैं। अक्सर आप लोगों ने घर में भी डॉन के पराठे खाए होंगे तो आपको ये डॉन के पराठों का ही तकरीबन टेस्ट मिलता है। बहुत क्रिस्पी पराठे हैं, चाय भी बड़ी ज़बरदस्त कड़क किस्म की चाय है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई राजा हारिस से एक बार फिर एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ हाजिर हो चुका है। और आज आपका भाई कहाँ पर मौजूद है, बारिश का मौसम था, बड़ा ठंडा मौसम हो चुका है लाहौर का और बड़ा ही सुहाना। ये देखें जी भाई, बादल आ चुके हैं और आपका भाई मौजूद है इस वक्त जी इछरे बाज़ार में। और इछरे बाज़ार के सबसे मशहूर जो पराठे वाले हैं, अल रिजवान पराठा एक्सपर्ट्स, और ये कितने एक्सपर्ट हैं ये भी आज हम देखने जा रहे हैं। ये देखें जी, ऐसे प्लेटें भर भर के जा रही है, पूरे बाज़ार में फुल मॉल बना हुआ है। और माशाल्लाह जी इनके पास जो मैंने अभी देखा है, अभी भी मैं आया हूँ तो काफ़ी रश है। इसके साथ साथ क्या करते हैं जी, इनके आलू वाले पराठे बड़े मशहूर हैं और भी पूछते हैं इनसे कौन कौन से पराठे। जो मैंने सुना था वो आलू वाले पराठे हैं इनके, बड़े ही मशहूर किस्म के। और साथ जी देते हैं ये एक गर्मा गर्म चाय, और चाय तो वैसे ही पता आपको इस मौसम के अंदर वैसे ही स्वैग बन जाता है। तो आज आपका भाई आया जी विज़िट करने, और अभी अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं कि खान साहब बनाते किस तरह पराठे। अच्छा भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये पराठे बड़ी देर से खाते आ रहे हैं, तो सर जी बताएं कि कैसे पराठे हैं ये जी। लाहौर में ये मेरे दादा जी सबसे अच्छे पराठे हैं इनके। इनका जो आटा होता है बहुत अच्छा होता है, साफ़ आटा होता है, और आप खा भी लें आपको हैवी पन महसूस नहीं होता। क्या बात है, कहीं से भी खाएंगे आपको ऐसा फील होगा कैसे भी हैवी है। और वैसे भी स्पेशली आलू के पराठे अगर खाएं तो वैसे भारा सा मज़ा हो जाएगा। इनके नहीं होंगे, आप कहीं से भी खा के ट्राई कर लें, इनके नहीं होंगे। क्या बात है जी, तो जनाब अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं कि हल्के फुल्के क्रिस्पी पराठे कहाँ से मिलते हैं, ये आज आपका भाई आपको बताने वाला है। लो जी ये शॉप के अंदर आ गए हैं और ये तवा साफ़ किया जा रहा है, सफाई का फुल ख्याल किया जा रहा है। ये जी हमारा आलू वाला पराठा जी, देख सकते हैं ये जो क्या अभी हम ट्राई करने वाले हैं। साथ जी गर्मा गर्म हम दो कप चाय भी करवाएंगे अभी, मगर आपको ये दिखा देंगे बनाते किस तरह। लो जी आप रश देख सकते हैं जी रिजवान भाई के पास, रिजवान के पराठे भाई हो तो रश ना हो ये कैसे पॉसिबल है। वाह जी वाह, आप इसका साइज़ आपको शायद वीडियो में छोटा लग रहा हो मगर ये जी काफ़ी अच्छे बड़ा ही साइज़ में है, मतलब कि ये एक पराठा जो है ना वो दो बंदे इजीली रगड़ सकते हैं। लो जी ऐसे ऐसे पराठे, तीन चार बने तो इतना बड़ा जो तवा है वो पूरा हो जाता है, मतलब कि आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं इसका साइज़ का। और आपको सबसे मज़े की एक चीज़ दिखाऊं जी, इनके पराठे देखें, आए हाय हाय, वल वाले पराठे हैं। एक सादा पराठा भी चाय के साथ करवाएंगे और एक आलू वाला भी करवाते हैं साथ। तो जनाब जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस वक्त जी खान भाई बना रहे हैं और अभी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, एक आलू वाला पराठा करेंगे, दो कप चाय करेंगे और एक वल वाला पराठा जो कि आपको मैंने ये दिखाया है, ये बड़ा ही क्रिस्पी किस्म का है, ये ऑर्डर करने जा रहे हैं। फिर आपका भाई देता है जी रिव्यू और फिर बताता है कि वाकई भी स्वैग है इनका कि नहीं, अल रिजवान वाकई भी एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ आना है, इधर खाना पीना करना है, थोड़ा सा ज़रा अपने दोस्तों को भी ज़रा कुछ खिलाना पिलाना है, तो ये आप देख सकते हैं वाफर मैं कहता हूँ जगह, जिधर मर्जी आप लोग बैठें और ऐसे बंदे जी प्रोटोकॉल देंगे आपको फुल। ये खान भाई क्या हाल है, अल्लाह का करम है, कैसी तबीयत है, शुक्र है अल्लाह पर। आप इधर कितनी देर से काम कर रहे हैं? यहाँ हम तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है जी, 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप आए
खान भाई को मिले, आते साथ ही आपको ऐसी वीआईपी जगह पे बैठाएंगे और गर्मा गर्म पराठे खाएं ऐसे ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में। भट्टी साहब की पसंद का ऑर्डर किया गया जी। भट्टी साहब मेरी पसंद का कौन सा, वही ऑर्डर है देखिए। अच्छा। यार हमने वैसे सच बताओ ना, तो हमने सिर्फ ये दो, मैंने आपको जैसे बताया वीडियो में अभी हमने किया, अभी ऑर्डर लग रहा है। तो भट्टी साहब मौसम की सबसे पहले हम बात करते हैं, मौसम माशाल्लाह जबरदस्त है, कीचड़ इतना है लेकिन हमने कहा जरूर वीडियो। हाँ कीचड़ बहुत ज्यादा है, मगर हमने कहा वीडियो बाकी बनानी है, आपको बताना है क्योंकि ऐसे मौसम में तो फिर कीचड़ होता ही है। नहीं मजा भी आता है चाय पीने का साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, खस्ता खस्ता पराठे हो जाए, खस्ता खस्ता पराठे हो जाए। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो भाई ट्रे लेके आ रहा है, तो अभी बैठते हैं हम आराम से, तसल्ली से आपका भाई आपको रिव्यू देता है, फिर आपको अच्छी अच्छी जगह भी बताता रहेगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो भाई के चैनल को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अच्छा जनाब, तो ये अभी जो हमने ऑर्डर किया, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, आलू वाला पराठा, साथ ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म का ये जी लालो लाल पराठा आपको देखने को मिलेगा। सादा पराठा है ये आलू वाला पराठा है, और साथ रायता है, और ये जी गर्मा गर्म चाय है। तो अब बारी है जी रिव्यू की, आपका भाई देता है रिव्यू। सबसे पहले जी आलू वाला पराठा तोड़ते हैं। ये जी इतना मैसिव किस्म का पराठा बनाया हुआ है इन्होंने, और इसको ज़रा रायते में डिप करते हैं। सैम भाई ज़रा इसको करीब लेके आए ज़रा। ये जी रायते में डिप किया और बाइट लेते हैं। बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, जबरदस्त। एक और लेते हैं, जहाँ पे अक्सर सेंटर में आलू ज्यादा होते हैं वो हम ट्राई करते हैं। ये जिसको डिप किया, ये देखो जी भट्टी साहब जरा दिखाएं इसे, क्लोज करके, क्लोज करके दे। हाय हाय हाय, जबरदस्त। लो जी आपको इनके पराठे की दिखाते हैं, ये तो लग रहा है जैसे डॉन का पराठा होता है ना, वैसे ही लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, चाय में डिप करके खाते हैं। जबरदस्त यार, अक्सर आप लोगों ने घर में भी डॉन के पराठे खाए होंगे तो आपको ये डॉन के पराठों का ही तकरीबन टेस्ट मिलता है, बहुत क्रिस्पी पराठे हैं। चाय भी बड़ी ज़बरदस्त कड़क किस्म की चाय है, ज़बरदस्त। नो डाउट के ऑर्डर जो है वो तो थोड़ा सा लेट आया, मगर फ्रेश मिल गया, अच्छी चीज़ मिल गई है। ये नहीं हुआ हमारा व्लॉग ज़ाया नहीं हुआ, मगर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग इच्छे बजा रहे हैं तो लाजमी आप लोग ट्राई करें, क्योंकि बड़ी डिफरेंट चीज़ है, बड़े क्रिस्पी किस्म के पराठे हैं और चाय भी बड़ी कड़क है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के भी रेस्टोरेंट में आया जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है जी, और आप लोकेशन डालें, आपका भाई जाएगा उधर वीडियो बनाएगा और आप लोग को भी प्रमोट करेगा इंशाल्लाह। तो अपने भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।